ब्यूटीफुल सा दिन है, और दिन तो ब्यूटीफुल है, बट ये क्या है? अरे भाई साहब, ये तो बहुत ही ज्यादा लंबा रैंप है यार, किसने लगा दिया ये? अब किसकी इतनी हिम्मत हो गई भाई, सुबह सुबह हमारे घर पे कोई रैंप चैलेंज रख दे तो बहुत ही ज्यादा गलत सीन हो रहा भाई। ऐसे कैसे कोई बिना परमिशन के रैंप चैलेंज रख सकता है? चौप भाई, ये रैंप किसने लगाया? तूने रोका क्यों नहीं? अबे कल्लू है, मैंने ही लगाया ये। हैं, तूने ही लगाया? हाँ भाई, मेरे दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक तेरे लिए बाइक चैलेंज है, तू बता एक्सेप्ट करता है कि नहीं? अबे चैलेंज और मैं और एक्सेप्ट ना करूँ, ऐसा कभी आज तक हुआ है और ना कभी होगा। भाई चैलेंज एक्सेप्टेड, तू बता कि क्या करना है? कल्लू है, सोच ले भाई, बहुत ही खतरनाक चैलेंज दे सकता हूँ मैं, जितना मर्जी चैलेंज खतरनाक कर दे भाई तू। बल्कि मैं तो बोलता हूँ, जो तेरा इस वक्त चैलेंज है ना, उसको तू 100 गुना खतरनाक कर दे, तब बता मेरे को। नहीं नहीं भाई, 100 गुना खतरनाक करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी इतना खतरनाक है कि बेटा तेरी हालत खराब हो जाएगी। बता बता क्या चैलेंज है? चैलेंज भाई ये है कि तुझे किसी भी बाइक को लेना है, सिर्फ बाइक, कार वार नहीं। हाँ हाँ ठीक है, बाइक को लेना है और यहाँ से नीचे से स्टार्ट करना है, इतने सीधे रैंप पर चढ़ाई करनी है बाइक का इस्तेमाल करके। क्या? बिल्कुल, क्यों हवा निकल गई? हवा तो नहीं निकली, मतलब सीरियसली भाई? बस सीरियसली बिल्कुल यार, इतना सीधा रैंप तो चढ़ पाना मुश्किल है, बाइक बिल्कुल सीधा है यार भाई। कौन से एंगल पे है ये रैंप? बस कल 90 डिग्री सुना है। हाँ भाई, उससे बस 10 डिग्री कम, मतलब 80 डिग्री के एंगल पे है ये, 80 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा। अबे एग्जैक्ट बता दे तू, 80.5 डिग्री। अबे ये कौन सा तरीका होता, मतलब 80 डिग्री पे है ये? बिल्कुल भाई, 80 डिग्री के एंगल पे है, मेरे को तो उससे भी ज्यादा ये एंगल लग रहा है। और जो भी हो भाई, ये तो फिर बहुत ही खतरनाक रैंप है, इतना सीधा कौन सी बाइक चल पाएगी? भाई तूने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, आप कंप्लीट करके दिखा। कोई बात नहीं, इजी है इजी है, इसके लिए तो मेरी जो बाइक गैरेज में खड़ी है वही काफ़ी है। रुको अभी लेकर आता हूँ गाइस, रुको रुको। ओके, तो ये रही मेरी बाइक। देखो भाई, ये चॉप का चैलेंज जो है, भले ही दिखने में काफ़ी ज़्यादा हॉट, काफ़ी ज़्यादा स्कैरी सा लग रहा है, बट मेरी बाइक के लिए नहीं, मेरी ये नॉर्मल एकदम सस्ती सी लोकल वाली बाइक भी इतनी बढ़िया तरीके से इस चैलेंज को कंप्लीट कर देगी कि चॉप देखता रह जाएगा। वैसे चैलेंज कंप्लीट करके मुझे क्या मिलेगा? टॉप पे एक बहुत ही खतरनाक प्राइज है, वो मिलेगा तुझे। ओके, लेट्स गो, फिर स्टार्ट करते हैं। कर दो स्टार्ट भाई, चौप पहले बता रहा हूँ, 2 सेकंड में, अगले 2 मिनट में तेरा चैलेंज कंप्लीट होने वाला है, करके दिखा। ओके लेट्स गो गाइस, फुल स्पीड में बाइक को लेकर चलते हैं। ओके कम ऑन। अबे ऊपर चल, अबे और लिटरली में फिसल रही है बाइक। अबे एक सेकंड, नहीं, 1 सेकंड, क्या हुआ, हालत खराब हो गई? अरे यार, ये तो सीरियसली मैं 80 डिग्री के एंगल पे लग रहा है मेरे को ये रैंप। चल चल मेरी बाइक। अबे आधा रैंप कर दिया कि नहीं? आधे भी नहीं पहुंचा है तू। अच्छा, कम ऑन मेरी बाइक, कम ऑन, यू कैन डू दिस। अरे यार, ये पीछे क्यों खिसक रही है, पीछे पीछे क्यों खिसक रही है? ओके, ओ नहीं नहीं, अबे यार गिर गया मैं, तू लिटरली मैं गिर गया और पता नहीं किसके स्विमिंग पूल में आके गिरा मैं सीधे। क्यों कर दिया, हालत खराब हो गई? नहीं नहीं हालत खराब नहीं हुई है, इजी है, दोबारा ट्राई करता हूँ, रुक जा। वो तो कलवे तेरी बाइक का हाल देख के ही पता चल रहा है कि रैंप कितना ज्यादा इजी है। बाइक का हाल तो बहुत ज्यादा बेहाल है इस बाइक का। अरे मैं अभी हार मानने वालों में से नहीं हूँ गाइस, इजीली कर दूंगा मैं। आई गेस इस वाली बाइक में ही कुछ प्रॉब्लम थी, रुक जा चौप, किसी और की बाइक लेके आ रहा हूँ। बैठ जा जा, जहाँ से बाइक लानी है तू वहाँ की बाइक ले आ, लेकिन भाई चैलेंज है मेरा, कंप्लीट करके दिखा बस तू। लाता हूँ, रुक जा। चलो गाइस, किसी रास्ते चलते की बाइक छीन के लाते हैं, कोई बढ़िया बढ़िया बाइक लेके जा रहा होगा, छीन लेंगे उसकी बाइक, दिखे तो सही कोई बाइक वाला पहले। ओ एक सेकेंड, एक बाइक वाला गुजरा तो सही, वो रहा। और लौटे, बाइक दे, टाइम पास नहीं मेरे से, बाइक दे, मैंने बोला ना, चल बहुत ही बढ़िया, क्या बात है यार, ऐसे ही डरपोक बंदे होनी चाहिए दुनिया में, क्या सिंपली आराम से डर के अपनी बाइक छोड़ के भाग गए। और एक इन बंदों को देखो, जरा सा भी डर ही नहीं है भाई। चलो बढ़िया, अच्छी खासी बाइक मिल गई। ओह, इसकी भी बाइक बढ़िया है सर, बाइक मिलेगी क्या? ओए भगा कैसे रहा है भाई, बाइक छीन तेरी, अभी रुक जाओ, बाइक पंचर करता हूँ, ये पीछे वाला टायर पंचर और ये आगे वाला भी टायर पंचर। अभी ये सारे बंदे भाग क्यों रहे हैं? फिलहाल उसके दोनों टायर मैंने पंचर कर दिए, फिर भी ये मान नहीं रहा है, फिर भी चला रहा है। छोड़ो उसे, चॉप का चैलेंज कंप्लीट चेक करने के लिए चलते हैं। हेलो चॉप, आ गया मैं एक बढ़िया बाइक लेके तेरे चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए, लेट्स गो।
ये नहीं देती है तो, अबे ये तो यहीं, कम ऑन कम ऑन, चल ना भाई, पीछे वाला पहिया घूम रहा है लेकिन बाइक आगे नहीं बढ़ रही है। ओके ओके नाइस, अबे 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 चल 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 मेरी बाइक चल, पीछे वाला पहिया घूमे जा रहा है यार, तुम लोग धुआं देखो बट फिर भी। ओ नाइस 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 नाइस, अरे नहीं भाई क्या हो रहा है। ओके ओके थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, कहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं, आई हैव नो आइडिया बट काफ़ी अच्छी खासी हाइट तक शायद। अबे नहीं यार अभी तो बहुत ऊंचा जाना है, अभी तक तो कहीं तक नहीं पहुंचा था मैं। आई गेस बहुत ज़्यादा देर हो गई गाइस, बहुत झेल लिया मैंने चॉप का टॉर्चर, अब तो लगता है, क्या लगता है भाई कलवे, अब तो लगता है वही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। कर कौन सा तरीका, द मैजिकल पेंटिंग पैड आई गेस भाई चॉप। अब मैजिकल पेंटिंग पैड का यूज़ करके ऐसी बाइक बनानी पड़ेगी, ऐसी बाइक जिसके ग्रिप बहुत तगड़ी हो, जिसकी स्पीड बहुत अच्छी हो, जिसका एक्सलरेशन बहुत ही तगड़ा हो, ऐसी बाइक बनानी पड़ेगी जिससे मैं तेरा चैलेंज जीत सकूँ। मैं तू जो मर्जी वो बाइक ले आ, चैलेंज तो तू जीतने से रहा, ठीक है इतना भी घमंड भाई अच्छी बात नहीं है, अभी तेरे को हराता हूँ मैं, रुक जा। मैजिकल पेंटिंग पैड से टक्कर ले रहा है भाई चौप अभी ये, सीधा सीधा देखना भाई कैसे हारेगा, बहुत बुरी तरीके से हारेगा अभी ये, क्योंकि मैजिकल पेंटिंग पैड को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती हो सकती है चौप भाई तेरी जिंदगी की। देखते हैं तेरी मैजिकल पेंटिंग पैड वाली बाइक क्या कर पाती है। लाते हैं एक बहुत ही तगड़ी बाइक, एक बहुत ही ज्यादा एपिक बाइक देखने के लिए रेडी हो जाओ गाइस तुम लोग। मैं भी रेडी हूँ भाई, ऐसी कौन सी बाइक है जो मेरे चैलेंज को कंप्लीट कर जाए, ठीक है तू भी रेडी रह भाई। ओके इस तरीके से, और इसका हैंडल कुछ ऐसा रहने वाला है, ये मिरर हो जाएगा, और भाई ये है क्या, अभी बेइज्जती मारना बंद कर भाई चौप, मेरे को पता है तू उल्टा सीधा बोलेगा बाइक के बारे में, क्योंकि तेरे को पता नहीं है कि ये बाइक तेरे चैलेंज को हराने वाली है। बै चल चल बहुत देखी ऐसी बाइक, ठीक है। ओके इस तरीके से इसका फ्यूल टैंक होने वाला है, यहाँ पर सीट हो जाएगी, और यहाँ पर इस तरीके से सारा सीन हो जाएगा, लेट्स गो बढ़िया एकदम, और यहाँ पर ऐसी सीट हो जाएगी, नाइस। ओके भाई ये क्या है बे, चुप बैठ जा तू, और यहाँ पर ये सब ग्रीन कलर का कर दूंगा, हाँ कलर मैंने सोचा गाइस ग्रीन एंड येलो एंड ब्लू, कैसा लगा भाई चॉप कलर, मैं तू चुप राब। ओके चॉप तो गुस्सा ही हो गया। ओके ये साइलेंसर एग्जॉस्ट जो भी, फिर यहाँ से पीछे वाले व्हील के लिए मड गार्ड चाहिए हमें। ओके ये पहले व्हील्स बना लेते हैं ताकि थोड़ा बाइक वाला फील आने लग जाए, तो ये फ्रंट व्हील कुछ इस तरीके से, व्हील के अंदर कलर होगा ब्लू। भाई क्या बना रहा है ये, व्हील बना रहा है कि क्या ही बना रहा है, चुप हो जा तू भाई यार कुलवे, थोड़ा एक्सप्लेन तो कर। एक्सप्लेनेशन जब दूंगा जब मैं इस बाइक से जीत जाऊंगा तेरे चैलेंज को, वो तो कभी होने से रहा, फिर तो लगता नहीं है मेरे को एक्सप्लेनेशन मिलेगा। होगा भाई होगा, ज़रूर होगा, और अभी कुछ देर में ही होगा, तू वेट तो कर ज़रा। के फाइनली गाइस अपनी बाइक ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़े बहुत चीज़ें बाकी हैं, उन चीज़ों को मैं फटाफट से कंप्लीट कर लेता हूँ। चलो भाई अभी ये बाइक के अंदर फटाफट से एक तगड़ा सा कलर भर देते हैं, यहाँ पे ये ग्रीनरी की बात की जाए तो ये और यहाँ पर ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और बात की जाए अगर येलो की तो येलो मैंने सोचा है यहाँ पर और थोड़ा बहुत यहाँ पर भी, इसके अलावा ब्लैक इधर पूरे में, डार्क ग्रे यहाँ पर, फिर इसके अलावा सीट भी हमें चाहिए ब्लैक। अबे ये कौन सा कलर आ गया, ओके सीट हमें चाहिए ब्लैक, और इसी के साथ ये हैंडल वगैरह मिरर वगैरह सब ब्लैक, इधर भी ब्लैक, साइलेंसर चाहिए हमें लाइट ग्रे कलर के अंदर। ओके अब बारी है व्हील्स के अंदर कलर भरने की, तो ये ग्रे, ये वाला पार्ट ग्रे, ये वाला पार्ट येलो, इसके बाद बाहर वाला पार्ट ब्लू, ये वाला पार्ट भी ब्लू, ये पार्ट ब्लू, इसके बाद बिल्कुल आउटर मोस्ट पार्ट होगा ब्लैक, और यही नहीं जो पार्ट होगा इसकी स्पेशलिटी होगी भाई इसका ग्रिप, जिसकी वजह से मैं तेरे चैलेंज को आज बीट करूँगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई, सोचना छोड़ दे, अभी पता चल जाएगा। लेट्स गो गाइस, इस खतरनाक सी ओपी से दिखने वाली बाइक को लेकर आते हैं अपनी GT5 की दुनिया में, लेट्स गो 3 2 1। This is the time. Okay. तो यहाँ पर हमारी एकदम तगड़ी वाली 3-4 कलर वाली बाइक रेडी है, ग्रीन येलो
ब्लू मैंने कौन सा कलर छोड़ा है भाई, सारे कलर यूज कर डाले हो। पीछे वाला व्हील तो देखो, ओहो भाई साहब क्या तगड़ी बाइक देख रहा है भाई चौप। चल चल तगड़ी, मैं तब मानूंगा जब ये मेरा चैलेंज कंप्लीट कर रहा है। ओके ओके, मैजिकल पेंटिंग पैड को चैलेंज कर रहा है तू, ठीक है लेट्स गो गाइस। बारी आ चुकी है चौप का घमंड तोड़ने की। इस बाइक के अंदर चार चार एग्जॉस्ट है, ये देखो भाई ये देखो। सबसे पहले तो अपनी छत पे चलते हैं। अबे नहीं कर पाएगा तू कंप्लीट, बे चुप बैठ जा तू, पहले ये बता टॉप पे क्या है, खुद जाके देख लेता मैं तो। ठीक है भाई खुद ही चलते हैं देखने के लिए, अब चॉप से नहीं पूछूंगा। ओके तो आ चुका हूँ मैं, और ये फुल स्पीड में जा रही है अपनी बाइक। भाई इजी है इसके लिए, मैं पहली बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होने वाली। और इसी के साथ हम लोग फाइनली टॉप पे पहुँच भी गए। क्या कुछ पता चला भाई? यार कलवे क्या बकवास कर रहा है, मैंने नहीं देखा ओए कब पहुँचा तू टॉप पे। तेरे लिए यार चॉप मैं फिर से कर देता हूँ, तू अपना दोस्त है यार, तू अपना लिटरली मैं बहुत ही बढ़िया वाला पक्का वाला दोस्त है, तेरे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। इस बार गए पिछली बार से भी ज़्यादा तेज स्पीड में जाएंगे, ठीक है चलो भाई चॉप भाई देखता रह तू। ओके फर्स्ट पर्सन व्यू मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, ये देखो भाई 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भगा रहा हूँ मैं 80 डिग्री के रैम्प पे, और ये फाइनली आ गया मैं रैम्प के टॉप पे। चॉप अब तो दिखा, देख कलवे ये क्या था भाई, ये थी मेरी स्पीड भाई। और ये पैसे रखे हैं तूने? हाँ रखे तो थे, लगा था कभी नहीं पहुँचेगा तू, लेकिन तू तो पहुँच गया। थैंक यू चॉप फॉर दिस मनी, फ्री मनी एक्चुअली में, ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी मेरे को फिलहाल। तो गए तुम लोगों को आज की ये वाली वीडियो बढ़िया लगी हो तो फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय। अरे वाह क्या मस्त वाले पैसे मिल गए, मज़ा आ गया भाई।